हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ट्रेडिंग की त्यागी। मैं हूं त्यागी और आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह का मूव दिखाया और कल मार्केट में किस तरह ट्रेड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं सबसे पहले निफ्टी के ऊपर। तो जैसे आप देख पा रहे हैं, ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जैसे मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या कर रही है। अगर स्टार्टिंग की जो 15 मिनट की जो कैंडल बन रही है, अगर उसका ब्रेकआउट देते हैं तो उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग हो जा रहा है। तो आज भी सेम ऐसे ही मार्केट ने जो पहली 15 मिनट की जो कैंडल थी उसमें ऊपर की तरफ आज ब्रेकआउट दिया और मार्केट उसके बाद ट्रेंडिंग हो गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही उसके बाद कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ मूव करते हुए आपको नजर आए। और लास्ट में मार्केट ने जो हमारे एक रेजिस्टेंस था लगभग 18,106 का, और जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस है वो लगभग 18,200 है अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो। और सपोर्ट, अब इमीडिएट सपोर्ट जो हमारा जो 17,800 है वो एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा। अब मार्केट जब तक इसके नीचे नहीं जाती, ठीक है, तब तक हमें कोई भी बेयरिश ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी है। और जब तक मार्केट जो हमारा रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस बहुत अच्छे रेजिस्टेंस का काम करेंगे, तो मार्केट कहीं ना कहीं आने वाले एक दो दिन में या इस मंथली एक्सपायरी तक आपको मार्केट कहीं ना कहीं जो 18,200 से जो हमारा 17,800 का जो एक जोन बना हुआ है, इस जोन में ही आपको फंसती नजर आएगी। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। और 15 मिनट में आज बैंक निफ्टी में क्या हुआ कि जो स्टार्टिंग में हमारे 15 मिनट की जो कैंडल थी, जैसे ही बैंक निफ्टी ने इसका ब्रेकआउट दिया, उसके बाद आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली मूव करती हुई आपको नजर आई। हालांकि लास्ट में एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग का मूव आपको देखने को मिला, जो कि एक जो हमारा 43,000 का रेजिस्टेंस था, जो हमारा 43,000 का रेजिस्टेंस है उससे थोड़ा सा नीचे, यानी लगभग हमें 42,800 के आसपास एक रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग का मूव देखने को मिला। अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो बैंक निफ्टी में इमीडिएट रेजिस्टेंस जो हमारा है वो 43,000 का जो रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट की बात करें तो ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है। अगर मैं इस वीक की एक्सपायरी में बात करूं तो इस जिस तरह आज मार्केट ने ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रॉन्गली मूव दिखाया, और अब अगर मैंने पहले जैसे बात की थी कि बैंक निफ्टी जब भी ऊपर की तरफ मूव दिखा रही है वो एक पोल और फ्लैग पैटर्न में ही ऊपर की तरफ मूव बनाती जा रही है, एंड फ्लैग पैटर्न में कंटिन्यू से मूव ऊपर की तरफ दिखाया। तो अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करूं तो जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस होगा वो हमारा लगभग 43,600 के आसपास का हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस होगा जो हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। अगर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट हमारा, अगर मेजर सपोर्ट की बात करूं, वो भी हमें 41,600 के आसपास हमें एक मेजर सपोर्ट मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी रेंज ओपन होगी है। ये इतनी बड़ी रेंज ओपन इसलिए हुई है क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देख पा रहे हों तो नीचे की तरफ एक वाइड मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला, और आज उतना ही तेजी से अप मूव भी आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिला। तो अगर हम एक दिन की कैंडल देखेंगे तो एक दिन में अगर इतनी बड़ा मूव बैंक निफ्टी लेगी तो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बहुत बड़े होंगे। अगर मोटी मोटी बात करूं तो आज लगभग 1200 अंकों के आसपास का मूव लिया, लेकिन एंड में क्लोज होते होते भी लगभग 1000 प्लस अंक बैंक निफ्टी बंद हुई। अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूं तो चलिए डेली टाइम फ्रेम पर बात करते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो लगभग एक इंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनी हुई है, जिसने जो प्रीवियस कैंडल थी हमारी उसके ऊपर निकल के क्लोज दिया। ये एक बुलिश सिनेरियो कंडीशन होती है, लेकिन अगर हम देखेंगे तो जो हमारी RSI है, जैसे हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक RSI 50 के नीचे बनी हुई है तब तक हमें कोई भी बुलिश ट्रेड में नहीं एंट्री करनी है। तो अगर हम RSI की बात करें तो आज भी RSI लगभग 40 के आसपास ही बन हुई, और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो 30 के आसपास जब भी RSI आती है तो लगभग एक बार 50 के आसपास जाने की कोशिश करती है, उसके बाद फर्दर एक नीचे की तरफ मूव दिखाती है, और फर्दर जब इसके बाद 50 के ऊपर क्लोज करती है तभी हम एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो इस कैंडल के बाद अगर हम कल की बात करें तो हमें कल का वेट करना होगा, और कल की इसकी क्लोजिंग देखनी पड़ेगी कि अगर कल निफ्टी जो हमारा आज ही क्लोजिंग, अगर इसके ऊपर कहीं भी क्लोज देती है, जो हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था इसका हमें यहाँ से एक रिवर्सल का सिग्नल कंफर्म हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो अगर कल की जो कैंडल है वो जो आज का जो हाई है, ये आज ही क्लोजिंग है, कल की अगर जो कैंडल है जो आज की क्लोजिंग अगर इसके नीचे कहीं क्लोज दे देती है तो ये जो हमारा एक डाउन ट्रेंड चल रहा था ये हमारा एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड का फिर से सिग्नल दे देगा, जो एक प्राइस एक्शन पैटर्न को जो हमारा लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, ठीक है, उस पैटर्न को मैं एक कंफर्म देगा। और जैसे हम इस लेवल के नीचे फर्दर ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे तो हम एक एग्रेसिवली नीचे की तरफ मूव देखेंगे। अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, बैंक निफ्टी में सेम ऐसे ही अभी भी एक बहुत बड़ी इंगल्फिंग कैंडल बनाई है बैंक निफ्टी ने, लेकिन जो हमारी जो RSI है वो डेली टाइम फ्रेम पे अभी भी 50 के नीचे बनी हुई है। तो
तो बैंक निफ्टी भी हमें ट्रेंड फाइंड करने के लिए नेक्स्ट ट्रेंड क्या रहेगा, बुलिश रहेगा या जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था वो दोबारा कंटिन्यू होगा, उसके लिए एक कल की क्लोजिंग का हमें फिर से वेट करना पड़ेगा। अगर कल की क्लोजिंग हमारी आज की क्लोजिंग के ऊपर होती है तो जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा था ये इसका रिवर्सल का कन्फर्मेशन होगा, और अगर ये हमारे जो कल की कैंडल है वो इस कैंडल के जो आज की जो क्लोजिंग है इसके नीचे कहीं क्लोज दे देती है तो ये फिर से एक प्रोजेक्शन वाला पैटर्न बन जाएगा कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो कल के लिए मेरा व्यू क्या है, कल के लिए मेरा व्यू है कि कल हमें एक दिन वेट करके कल के लिए कल मार्केट की क्लोजिंग कहाँ होती है, निफ्टी और बैंक निफ्टी क्लोजिंग कहाँ होती है। मेरा व्यू क्या है, मेरा व्यू ये है कि हमें एक दिन और वेट करना चाहिए कि इस चीज़ का पता करने के लिए कि ये जो हमारा जो आज की तरफ आज की जो इंगल्फिंग कैंडल बनी है ये रिवर्सल पैटर्न में बनी है या ये फर्दर एक बेयरिश कंटिन्यूस पैटर्न क्रिएट करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।